जयंती, ओम शांति। आज की तारीख है 19/11/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हम पतितों को पावन बनाने वाले, हम तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाने वाले, हम बच्चों से पुरुषार्थ कराने वाले, तीव्र गति का भी पुरुषार्थ कराने वाले, उतरती कला से चढ़ती कला में ले जाने वाले। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है। हाँ, हमारी मंजिल क्या है? सदगति। गति में तो हर एक को जाना ही है, अर्थात मुक्ति धाम, शांति धाम, अपने घर तो सभी जाएंगे, लेकिन सदगति वो हम स्वर्ग में जाने वाली विशेष संगम युगी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं। तो हमारी मंजिल है स्वर्ग। तो ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? कई बार चलते चलते कई बाबा के विद्यार्थी बच्चों को या बच्चों को ऐसे संकल्प आते हैं कि हमारी कोई उन्नति तो हो नहीं रही है, हमारी कोई चढ़ती कला नहीं, तो हमें प्रगति का कोई अनुभव नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, चलते चलते यदि थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, या फिर मुरली मिस की या ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, हाँ सब नंबर वार नोट किया सभी ने, हाँ क्यों चढ़ती कला का अनुभव नहीं होता? क्योंकि एक, कहीं चलते चलते अहंकार आया, अपने को कहीं होशियार समझने लगे, फिर तीन, मुरली कभी मिस की, फिर चौथा, बाप ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की। तो ये सभी ऐसे कई और कारण भी हैं, सोचेंगे तो निकल आएंगे, तो कभी भी उनकी चढ़ती कला हो नहीं सकती। साकार को दिल से उतारा या साकार के दिल से उतरा, माना निराकार की भी दिल से उतरा। गीत बजा है, ये भी मैं सुना चुकी हूँ गीत आपको, लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बालम, हम भी न भूले। तो हमारा बाप के साथ इतना साथ पक्का हो, वायदा इतना पक्का, हाथ में हाथ देकर मिलाया हुआ हो कि कभी भी बाप भी हमको न भूले और हम भी अपने बाबा को न भूलें। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए, माना शाबाशी लेने के लिए, बाप के ऊंचे कार्य में, हाँ कौन सा ऊंचा कार्य है? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का, तो उसमें पूरा पूरा मददगार बनना है, बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। नंबर दो है, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, माना कभी भी हम अपनी सभ्यता को छोड़कर असभ्य वर्तन करें, हाँ या चाल चलें या अवज्ञा करें तो वो नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है और सर्विसेबल बनना है। वरदान है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। हाँ, हमारा व्यक्तित्व कब निखरता है? जब बुद्धि में महीनता हो और हमारे माइंड के ऊपर कोई बोझ न हो, हम हल्के हो। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो, कसरत करें। कौन सी? अशरीरीपन की, माना मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अपने को लटकाना है। कहाँ लटका देना है? अपने को सिर ऊपर परम धाम में,
हमारा आत्मा ऊपर हो, शरीर हमारा नीचे हो, तो हम एकदम शव की तरह क्या करें, स्वयं को फांसी दे दें। हाँ, तो फांसी देने से हम क्या बन जाएंगे, शव बन जाएंगे। तो फांसी देने की एक्सरसाइज करनी है, और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो, स्वयं पर नियंत्रण हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। जैसे भोजन के समय जो भोजन हमें स्वीकार करना है या करने योग्य है या जिस करने की आवश्यकता है, हम वही भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे बुद्धि के अंदर भी संकल्प रूपी भोजन भी हम वही करें, माना वही संकल्प करें जो पॉजिटिव हो, यथार्थ हो और समर्थ हो, जो लोक के हित में हो और स्वयं के भी हित में हो। तो व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। और एक विशेष ध्यान पर रखें आप और नोटिस करें, एक सूचना है आपके लिए, और वो ये है कि कल की जो मुरली है वो रविवार होगा, और रविवार के कारण मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली होगी। और इसीलिए मैं आपको फिर से कुछ प्रश्न बताऊंगी, कुछ हम परीक्षा पेपर जैसे होता है ऐसे एग्जाम का एक पेपर दूंगी, जिस पेपर को आपको नोट करना है और नोट करने के बाद उसका उत्तर देना है। तो इसके लिए आप अपने साथ डायरी और पेन अवश्य रखें, डायरी पेन रखना भूले नहीं, क्योंकि हमें यह भी प्रैक्टिस करनी है कि हम रोज बाबा की मुरली की पॉइंट्स डायरी में नोट करें, बुद्धि रूपी डायरी में भी नोट करें, स्थूल डायरी में भी हम नोट करें। बाकायदे ईश्वरीय लॉ के मुताबिक हम पेन और डायरी लेकर के पढ़ाई करें। और मुरली है हमारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।